ओम राम दने रोई रोजा शेषे लो खुशी तू अपना के आज दिलिए भेजो नास मने तागी ओम राम दने रोई रोजा शेषे लो खुशी तू अपना के आज दिलिए भेजो नास मने तागी। अस्सलामु अलैकुम एंड मरहबा बेस्टीज, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद शॉपिंग अपनी, कि मैंने ईद के लिए क्या क्या लिया है। और ये फर्स्ट ड्रेस जो आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इसकी पिक्स आप देख लें, ये इसी तरह से ही दिखता है अंदर से। तो क्या आज आपको लगता है कि मैं आपको इस तरह से अपने ड्रेस दिखा दूँगी? जी नहीं जनाब, मैं आपको दिखाऊँगी अपना एक एक ड्रेस खोल करके। और ये जो पहला ड्रेस है वो मैं पहनूंगी फर्स्ट डे के लिए। और ये देखें इसके साइड पे इस तरह से चुनट दी हुई है उन्होंने, और ये है गुल अहमद का ड्रेस। और इसकी जो रॉयल ब्लू शलवार है उस पे इस तरह से नेट लगी हुई है, और नीचे बॉर्डर दिया हुआ है उन्होंने। और नीचे जो है इसके दामन पर आप देखें इतने प्यारे कलर हैं, इतने खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट कलर हैं। तो ये गुल अहमद का ड्रेस है। जी हाँ बहनों, तो आपको क्या लगा था कि मैं आपको कहूंगी कि ये गुल अहमद का ड्रेस है? जी नहीं जनाब, ये गुल अहमद का दिखता ज़रूर है लेकिन ये उसका रेप्लिका है। और ये मैंने लिया है ओनली 1600 का, जबकि इसकी ओरिजिनल की प्राइस जो है वो 5000 से अबव थी। तो अगर आपके पास कोई अच्छा टेलर मौजूद है तो आप उससे इस तरह से सेम एज इट रेप्लिका लेकर के सिलवा सकते हैं। और बिल्कुल जैसे पठानी स्टाइल है उस तरह से उन्होंने ये इसका स्टाइल दिया था। और इसके दुपट्टे के कलर भी सेम एज इट गुल अहमद ड्रेस की तरह ही थे, और वो ये उनका 2018 का ही है आई थिंक सो। और नेक्स्ट जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है फ्लोरेंस बाय रंग रसिया। तो ये जो है ये ब्रांडेड है, और इसके बाजू उन्होंने इस तरह से चुनट वाले बहुत खूबसूरत दिए हैं। तो इसके बाजू भी जो है वो पठानी स्टाइल में ही उन्होंने दिए हुए हैं। और इनकी ये खसूसियत होती है रंग रसिया वालों की कि इनके दुपट्टे जो हैं वो खड्डी पर बने हुए होते हैं। और इस तरह से मैंने फ्लेयर दिलवाया है दामन पर, और दामन पर आप देखें ये भी उनका खड़ी पर ही बना हुआ है, और इंतहाई बारीक वर्क उन्होंने किया हुआ है। और चाक पर मैंने इस तरह से पाइपिंग करवाई हुई है, और इसकी प्राइस भी मैंने मेंशन कर दी है। और इसकी जो बैक साइड है वो बहुत ही खूबसूरत है बहनों, और उसके कलर भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट पिक की तरह सिलवाएं, लेकिन मैंने सेम ही सिलवाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। और इसके जो आप देख रहे हैं ट्राउज़र के पाइंटे भी सेम एज इट हैं, और ये उनका खड़ी का उनका दावा है कि उन्होंने खड़ी पर ही बनवाया है ये। तो ये इंडियन नेट थी, उसके ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड जो है ये दुपट्टा दिया है, और इतनी बारीक एम्ब्रॉयडरी और फुल जाल है इसके ऊपर, और बहुत खूबसूरत इसका दुपट्टा है। और ये जो है ये मैंने इम्प्रेशन वालों का लिया है, और इसको मैं डालूँगी सेकेंड डे पर। और जो पहले मैंने आपको ड्रेस दिखाया है वो आई थिंक मैं थर्ड डे पर डालूं, और जो सेकंड डे पर ये डालूंगी। तो ये देखें ये क्योंकि ऑलरेडी उनका स्टिच था तो इस तरह से उन्होंने दिया हुआ था उसको, और इसकी प्राइस भी मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। और इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से सीक्वेंस उन्होंने दिए हुए हैं। वैसे तो मैं जो स्टिच ड्रेसेस हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जो काम आपको टेलर करके देता है जो फिटिंग, वो आप स्टिच में नहीं करवा सकते। और ये बहुत ही अच्छा इसका कपड़ा है, और इसके ट्राउज़र पे फुल उन्होंने जाल दिया हुआ है, और शॉर्ट मैक्सी के साथ जो है ये जाल फुल नज़र आता है ट्राउज़र का। तो ये देखें ये आपके सामने है, ये ज़रा खुला है तो इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर से फिट करवाना पड़ेगा। और ये शॉर्ट मैक्सी है, और बहुत सॉरी शॉर्ट शर्ट है ये बहुत अच्छे से उन्होंने ऊपर इसके गले पे मोटिव्स बना करके दिए हुए थे। और इसका दुपट्टा जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत कलर है उसके, और इसके दुपट्टे पर मैंने जो है इस तरह से लगाई हुई है। और क्या बचपन के दिन होते थे जब हम इस तरह से दुपट्टे पहन के उसको लहराती फिरती थी। अब तो जी ईद पे खुद ही लहरा रहे होते हैं हम लोग कामों के लिए, और ले तो लेती हूँ ड्रेसेस, बस फिर आने जाने में ही लगा रहता है। तो जब किसी के घर जाते हैं तो ड्रेस ये वेयर कर लेते हैं। और ये ड्रेस जो है इसका सेम कलर नहीं आ रहा, ये मैंने बरीजे से लिया है, और बहुत ही बारीक इस पर सारा जो है चिकनकारी का काम किया हुआ है। और इसकी बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं बहुत बारीक और खूबसूरत काम किया हुआ है। इसका जो कलर है वो डबल शेडेड है, जो कि आपको इसकी शलवार में यानी कि ट्राउज़र में दिख रहा होगा। और इसके दुपट्टे पर भी उन्होंने इस तरह से चिकनकारी और बॉर्डर दिए हुए हैं बहुत खूबसूरत से। तो इसका सेम वही कलर नहीं आ रहा, और यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत कलर था। और ये है जी मेरा पहला प्यार। जी हाँ, ये वो ड्रेस है वैनो जिसको मैंने फर्स्ट डे पे सेकंड टाइम पे वेयर करना है, और इसको देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था। और जैसे कहते हैं ना कि वो पहली नज़र वाला प्यार, वही समझ लें।
और इसके जो हैं ऊपर इतने प्यारे सीक्वेंस दिए हुए थे और गले पे भी उन्होंने गोल्डन कलर का ये बहुत खूबसूरत दिया हुआ था इंप्रेशन वालों ने इसके ऊपर, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा बुटीक स्टाइल उन्होंने। और इसके आपके सामने बाजू देखें, बहुत इम्बेलिशमेंट है और इसमें सीक्वेंस हैं छोटे छोटे से, और इसके बाजू भी उन्होंने पठानी स्टाइल के दिए हुए थे, और ये मैंने खुद ही सिलवाया है अपने टेलर से। तो अगर आपका टेलर अच्छा हो तो यकीन करें बहुत ही खूबसूरती से वो आपको सेट करके कपड़े दे देता है, और उसने मुझे बहुत अच्छे से सेट करके दिए हैं। और इस पर ये उन्होंने जो सीक्वेंस दिए हुए थे इतने कलरफुल हैं, कैमरे में अनफॉर्चुनेट बाज़ूकात कलर उस तरह से नहीं आ पाते। आप यकीन करें ये तमाम ड्रेस जो हैं इनके कलर इतने खूबसूरत और सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छे उन्होंने दिए हुए, बहुत नीट उन्होंने इंप्रेशन वालों ने वर्क करवाया इसके ऊपर और बहुत ही खूबसूरती से काम किया। और बैक साइड पर भी हल्का सा उन्होंने इस तरह से फ्लावरी मोटिव दिया हुआ है। और ये उसका ट्राउज़र था, और ये बहनों मैक्सी है शॉर्ट, और उसके साथ जो है ये फुल उन्होंने ट्राउज़र इस तरह से दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत है। और ये मैंने डाल करके देखा है, यकीन करें बहुत प्यारी इसकी फिटिंग। ट्राउज़र जो है ये उनका स्टिच था, जैसे उन्होंने बाजुओं पे सीक्वेंस दिए हुए हैं उसी तरह से ट्राउज़र पे भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो सितारा वर्क है ना वो उन्होंने ट्राउज़र पर बिल्कुल भी नहीं रखा, और अच्छा ही किया कि नहीं रखा, फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता। तो बहुत अच्छे से उन्होंने इसका स्टाइल जो है उसको दिया, भी मुझे तो अच्छे लगे हैं। और फर्स्ट टाइम तो काम बहुत होता है तो मैं वो गुल अहमद वाला रेप्लिका डाल लूँगी, और सेकंड टाइम इस तरह का ड्रेस जो है वो मैं वेयर कर लूँगी। और ये इंप्रेशन वालों ने जो इसका दुपट्टा दिया है वो इंतहाई सॉफ्ट है, और बहुत ही बारीक शिफॉन पे उन्होंने वही कलर जो है जो कि दामन पर थे छोटे छोटे मोटिव के थ्रेड जो है वो उन्होंने दुपट्टे पर दे दिया है, और बहुत अच्छा इनका स्टफ़ है। तो ये दो सूट आपको कैरिमल ब्राउन कलर वाला दिखाया है वो भी, और ये दोनों जो है ये इंप्रेशन वालों से मैंने लिए हैं बुटीक से, और बहुत अच्छा उनका स्टाइल था। एक उनका स्टिच था और ये जो है ये अनस्टिच था, ये मैंने अपने टेलर से खुद सिलवाया है। और ये कैसे हो सकता था कि ड्रेस दिखाऊं और शूज़ ना दिखाऊं आपको? तो ये तीन शूज़ जो हैं मेट्रो, बाटा और नीलम से हैं। जो मेट्रो वाला शूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा है, ये आप देख लें, ये जो फर्स्ट डे का ड्रेस है उसके साथ बिल्कुल सेम एज इट जो है वो चला जाएगा, और उसके साथ बहुत अच्छा उन्होंने ये स्ट्राइप्स दिए हैं। और ये जो है इसकी सोल है गोल्डन कलर में, तो ये जो है जो मैंने लास्ट आपको अपना ड्रेस दिखाया है उसके साथ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत उसके साथ ये जा रहा है। और सुबह जो मैं गुल अहमद का ड्रेस जब वेयर करूँगी पहले दिन, क्योंकि आपको पता है काम बहुत होता है पहले दिन, तो लाइट सोल और लाइट ड्रेस डाला जाएगा सुबह के टाइम, क्योंकि रिलेटिव्स आते जाते हैं, तो ये इस तरह से बहुत ही लाइट सोल बाटा वालों ने, ये 1300 का मैंने बाटा वालों से लिया है, और थर्ड जो है वो नीलम वालों से लिया है शूज़ मैंने, और ये है 800 का, ये भी इंतहाई सॉफ्ट इनकी यकीन माने शूज़ है ये, और पता भी नहीं लग रहा कि ये मैंने जैसे कि डाला हुआ है, और बहुत लाइट ये तीनों शूज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं। और ये हर सूट के साथ देख लूँगी, ड्रेस के साथ जो अच्छा लगेगा वो डालूँगी, लेकिन ये जो है ये मखसूस है। और बचपन की बातें करी थी कि हम बचपन में लहराया करते थे, तो ये कैसे हो सकता है कि बचपन की बातें हों तो अपने बच्चों के कपड़े ना दिखाऊँ अपनी बहनों को? तो जो आपको ये ड्रेस दिखा रही हूँ, ये आज मैं कुर्ते दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आज शाम तक एक और वीडियो अपलोड होगी, उसमें मैं अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी कि मैंने ज्वेलरी कैसे ली है, और अपने बच्चों के रेडीमेड जो पैंट शर्ट्स हैं वो दिखाऊंगी बच्चों के। और इसके ऊपर इस तरह से ये मैंने नगों वाले जो हैं सीक्वेंस वाले बटन्स जो हैं वो मैंने दर्जी को कहे थे कि लगा करके दे, और इसमें डिजिटल प्रिंट है, और ये जो है जीन्स की ब्लू पैंट के साथ वेयर करेंगे। नेक्स्ट जो ये बच्चों के दिखा रही हूँ, पता नहीं इसका कलर सेम नहीं आ रहा बहनों, जैसा बैकग्राउंड में कलर है ना पर्पलिश, ये वैसे है, और इसमें जनाब जी कैमरा मेरा ग्रे शो कर रहा है, पता नहीं क्या वजह है, हालांकि कैमरा मेरा बहुत अच्छा है लेकिन आज जो है वो कलर शो नहीं कर रहा वैसे। और थर्ड भी कुर्ता है इनका तीनों का, तीनों भाइयों का, क्योंकि बच्चों का आपको पता है भागना और खेलना, जैसे कि मैं अपना कहती थी कि बचपन में लहलाड़ लहरा के खेला करते थे, अब तो हम किचन में ही रहते हैं, ड्रेसेस तो बना लेते हैं बहुत शौक से, तो इन लोगों को फिर पसीना वगैरह आ जाना है, तो इसीलिए इनके मैंने दो दो सूट बनवाए हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और इनको मना भी नहीं कर सकते, इंजॉय के यही दिन है। और ये हबी का जो है एक ड्रेस आया है, ये थर्ड डे पर वो वेयर करेंगे, इसके गले पे इस तरह से जो है इंबेलिशमेंट थी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ दर्जियों का इतना बैठे हमारे शॉर्ट
और मास को लग रहा था कि मैं उसकी सेल्फी ले रही हूँ। तो दर्जियों का ये मसला हो रहा है कि हबी के सूट अभी तक नहीं आए ड्रेसेस, तो वो ज़रूर कल आपको दिखाऊंगी, और ये हबी का शूज़ और उसके बाद हुज़ैफ़ा का और मोहम्मद ताहा का। तो इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, अल्लाह।